नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बोकारो में गांधी जयंती के अवसर पर मजदूरों द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें मजदूरों ने कहा है कि बीएसएल प्लांट में मजदूरों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। बोकारो में गांधी जयंती के अवसर पर मजदूरों द्वारा सत्याग्रह आंदोलन करते हुए दिखे मजदूरों का कहना है कि बीएसएल प्लांट में काम करते रहते हुए भी मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों को 15 जून 2020 से काम से निकाला गया है। मजदूरों का कहना है कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अंततः उनकी मांग ये है कि मजदूरों को वापस काम पर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। गांधी जी के जन्म दिवस पर हम लोग सत्याग्रह के लिए इसलिए आए हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, शांति प्रिय थे, और उनका जो सपनों का भारत था, जिस भारत में कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई भूखे नहीं मरेगा, आज बोकारो स्टील के विभिन्न विभाग, जिसमें इनगॉट मॉल फाउंड्री, हैवी मेंटेनेंस, ट्रैफिक, कोको वैन, तमाम विभागों में मजदूर इस कोरोना काल में काम से बैठे हुए हैं। जबकि भारत सरकार ने अनाउंस किया है किसी भी मजदूरों को बैठाया नहीं जाएगा, लेकिन मजदूर बैठे हुए हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सत्याग्रह के थ्रू ये प्रबंधन को कहने के लिए आए हैं कि आप यथाशीघ्र जो मजदूर इनगॉट मॉल फंड्री, हैवी मेंटेनेंस और ट्रैफिक के मजदूर काम से बैठे हुए हैं, उन्हें अविलंब काम पर वापस लिया जाए। इसी उद्देश्य से आज सत्याग्रह कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं। कब से मजदूर बैठे हैं? ये मजदूर 15 जून से बैठे हुए हैं, 15 जून 2020 से। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।